हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें प्राइवेट के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूसेट 2021 से एग्जाम से रिलेटेड। कल आपका एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है तो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखना है वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, आप वहाँ से जाकर भी इनको डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। एक बार अपन इन इंस्ट्रक्शंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस अंडरटेकिंग के फॉर्म को भर लेना है जिसके अंदर इसमें COVID-19 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो आपको इनको भर लेना है। ठीक है, जैसे जैसे आपको रिक्वायर्ड इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं वैसे वैसे आपको इनमें आंसर देने हैं। जैसे कि आई हैव इन द लास्ट 14 डेज, प्लीज टिक वॉट एवर इज एप्लीकेबल टू यू, अदरवाइज लीव ब्लैंक। तो जो भी इसमें एप्लीकेबल है आपको उसको आपको टिक करना है, अदरवाइज उसको खाली छोड़ देना है। बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द कन्फर्म केस ऑफ COVID-19। ठीक है, यदि आप किसी COVID-19 केस के क्लोज कॉन्टेक्ट में थे तो आपको इसमें टिक लगाना है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है। देन नॉट प्लीज बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम COVID-19 एंड नॉट अंडर मेटर्निटी क्वारंटाइन। तो यदि आप किसी COVID-19 पर्सन के कॉन्टेक्ट में नहीं रहे हैं तो आपको इसमें राइट क्लिक करना है, अदरवाइज आपको इसमें ब्लैंक छोड़ देना है। ट्रेवल विद द फॉलोइंग सिटीज कंट्री विद इन लास्ट 14 डेज प्राइवर टू अराइविंग एट द सेंटर। तो यदि आपने ट्रेवलिंग करी है विद इन 14 डेज, प्रीवियस 14 डेज में यदि आपने डिफरेंट सिटीज या भी कंट्री में ट्रेवलिंग करी है तो आपको इसमें राइट क्लिक करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। और फिर आपको अपनी सिटीज के बारे में बताना भी है कि आप कहाँ से आए हैं और कितनी डेट ऑफ अराइवल थी। ठीक है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को आपको इसमें जरूर अच्छे से पढ़ लेना है और इस अंडरटेकिंग के फॉर्म को आपको ध्यान से भर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन को कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस इसमें ध्यान रखने हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ अपने साथ ले जानी अलाउ है वहाँ पे, तो आप अपनी पर्सनल वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आप ले जा सकते हैं, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन आप अपने साथ ले जा सकते हैं, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ एडमिट कार्ड के साथ आपको ये डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है इसको भी फिलअप करना है। ठीक है, और इसका क्लियर प्रिंटआउट निकालना है आपको A4 साइज का। ठीक है, एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको साथ में जरूर ले जाना है, एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप जरूर साथ में ले जाइएगा जो आपके अटेंडेंस शीट के लिए काम में आने वाले हैं। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ आपको साथ में जरूर लेके जाना है। ठीक है, अब वैलिड आईडी प्रूफ कौन कौन से हैं वो भी अपन देख लेते हैं। एनी ऑफ द ओरिजिनल वैलिड आईडी, नॉन एक्सपायर्ड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कि पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर विद फोटो और राशन कार्ड, आप इन सभी को ले जा सकते हैं। इन सभी में से भी आपको कुछ भी आप इसमें से ले जा सकते हैं, वैलिड आईडी प्रूफ आपको ले जाके वहाँ पे उनको दिखाना है। ठीक है, तो आप इंस्ट्रक्शंस को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, जो मेन मेन इंस्ट्रक्शंस है मैंने आपको बता दिया। एक तो आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म ध्यान से भरना है और सेकंड आपको इन इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें ले जाना वहाँ पे अलाउ है। ठीक है, तो अपने साथ एक आईडी प्रूफ जरूर ले जाइएगा और साथ में 2 फोटो आप जरूर लेके जाइएगा, एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग का फॉर्म भी आपको साथ में लेके जाना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। यदि कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।